करुणा और दया ऐसे गुण हैं जो आधुनिक मानव जीवन में संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। इस थीम पर आधारित कई सेवा गतिविधियों का आयोजन ब्रह्मा कुमारियां वर्ष भर से करती आ रही हैं। इसी के अंतर्गत पंजाब के फरीदकोट में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एक भव्य कार्यक्रम रखा गया। ब्रह्मा कुमारीज की पंजाब जोन इंचार्ज बीके प्रेम ने दया और करुणा जैसी मूल्यों को जीवन में लाने की जरूरत पर जोर दी। सारे दिन की दिनचर्या में आप दो बातें सदा याद रखें और दो बातें भूल जाएं। किसी ने अगर गलत व्यवहार किया है तो रात सोते समय अपनी दिनचर्या देखें और उसको भूल जाएं। रात गई बात गई। आपने अगर किसी के साथ सारे दिन में अच्छा व्यवहार किया है वो भी आप भूल जाएं। नहीं तो क्या होगा कि आपको याद रहेगा और रिटर्न लेने की इच्छा होगी। मुख्य अतिथि के रूप में बठिंडा स्थित इंद्राणी हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर अनुपम गर्ग ने मेडिटेशन द्वारा अपने जीवन में मिले लाभ के बारे में बताया। मैं जब 10th में था तो तभी मम्मी पापा कहते थे पढ़ते रहो, अब तुम्हारा प्लस वन है, अब तुमने मेडिकल में जाना है। मैंने कहा ठीक है पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ते रहो और लाइफ में और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पढ़ना ही होता है। तो जब जैसे जैसे मैं इस संस्था से जुड़ा तो वो जो बोझ वाला पढ़ाई वाला सिस्टम था ना कि पढ़ते रहो, जब मैं संस्था से जुड़ा मित्रों इतना से मनोरंजन लगने लगा। रक्षा सेवा से सेवानिवृत्त बीके डॉक्टर लेखाराम जी ने प्रमुख वक्ता के रूप में मंच की शोभा बढ़ाई। ब्रह्मा कुमारी 150 कंट्रीज के अंदर फैल चुके हैं और उनकी वाइब्रेशन, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन के अंदर के पॉजिटिव वाइब्रेशन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव। बीके प्रेम दीदी की निस्वार्थ और अथक सेवा का आभार व्यक्त करने हेतु उनका जन्मोत्सव भी मनाया गया। मनमोहक नृत्य और शिक्षाप्रद नाटिकाओं ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम की संचालिका बीके संगीता ने सभी अतिथियों और श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। किन शब्दों में परमात्मा का मंच पर विराजमान सभी भाई बहनों का और आप सभी दूर दूर से आए हुए सभी भाई बहनों का मैं धन्यवाद करूं। ये शब्द तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे क्योंकि इतनी खुशी है मन को आज के दिवस की। सभी अतिथियों और श्रोताओं को ईश्वरीय उपहार प्रदान कर कार्यक्रम का समापन हुआ।